सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो मेरा ब्लॉग रहेगा, तो हम लोग जाएंगे आज रात में अतर्रा के गणपति बप्पा देखने। सो गाइज, जो चैनल नहीं हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो बने रहिए ब्लॉग पे, मिलते हैं रात में गणपति बप्पा जी के पास, देखते हैं। सो गाइज, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अतर्रा की ओर गणपति देखने। तो अतर्रा जो है हम लोग के यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो बने रहिए प्लीज पूरे ब्लॉग पे, हम आगे दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज, जो है हम लोग पहुँच चुके हैं। और तेरी इतनी भीड़, आप लोग तो देख ही सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ के गणपति में। ये हैं जो स्टेशन के गणपति हैं, अतर्रा स्टेशन बांदा जिला के, आप लोग देख ही सकते हैं कितना मेला लगा हुआ है यहाँ तो। और हम लोग को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग का कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब हम चलते हैं गणपति की ओर, सो बने रहिए। ओ तेरी इतनी सारी भीड़, कैसे देख सकते हैं हम लोग गणपति जी को, इतनी सारी भीड़। हम लोग तो उधर तो पहुंच ही नहीं सकते, बट पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को गणपति बहुत अच्छे से दिखाएं। सो गाइज, आप लोग यहाँ का पंडाल ही देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन पंडाल बना हुआ है, और गणपति जी भी बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत दूर ही खड़ा हूँ तो ज़्यादा नहीं दिख सकता। मैं पंडाल को ऊपर तक दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ऊपर की ओर से भी एक नंबर का लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइए। सो गाइज, अब चलता हूँ थोड़ा पंडाल की ओर, हो सकता है आपको पास से मूर्त दिखा सकूं, शायद, बने रहिए, क्योंकि इधर पे बहुत ही भीड़ है, निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट पूरी कोशिश। ये रहे कुछ दोस्त जो कि मुझे जानते हैं पहले से, तो मैं आपको गणपति जी को फोकस कर सकता हूँ जूम करके, फिर भी मुझे जूम ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी पास नहीं है, काफ़ी दूर है ये। अब तो आपको काफ़ी क्लियरिटी दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज, आप लोग भीड़ भी यहाँ की देख सकते हैं। सो गाइज, आप लोग को कैसा लगा यहाँ का माहौल, सो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और गाइज यार, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बहुत ही मेहनत लगती है। और ये बच्चा को आप देख सकते हैं, ये जो है गणपति जी का प्रसाद बाँट रहा है, आप लोग भी आइए और प्रसाद लीजिए, प्रसाद खाने में बहुत ही मज़ा। तो प्लीज़ आप लोग भी आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। तो मैं एक बार और आपको पूरा गणपति जी का पंडाल सहित दिखा सकता हूँ आप लोग को, और यहाँ का पब्लिक प्लेस भी दिखा ही सकता हूँ आप लोग को। मुझे तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। और भी भगवान बैठे हुए हैं, वो शिव जी भी हैं, और मुझे पता नहीं थोड़ा, बट आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। सो गाइज, मैंने सोचा थोड़ा मैं भी अपना फेस दिखा दूँ, क्योंकि गणपति जी के साथ नहीं दिख रहा पूरे तरह से, पंडाल में ही दिख रहा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, बने रहिए ब्लॉग पे, चलते हैं दूसरी मूर्त दिखाते हैं, सो बने रहिए। सो गाइस, फाइनली हम लोग अतर्रा स्टेशन के गणपति देख लिया है, और हम लोग चलते हैं आगे की ओर, और आगे भी बैठे हुए हैं तो आगे भी बने रहिए, दिखाते हैं आपको ब्लॉग पे पूरा, बने रहिए, थैंक यू। तो हम लोग आ चुके हैं दूसरी मूर्त देखने। तो यहाँ पर ही भी बहुत ही प्यारे गणपति जी बैठे हुए, छोटे से एकदम, आप लोग देख ही सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा प्रसाद बट रहा है भंडारे वाला, तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं आगे की ओर, अब देखते हैं और मूर्त कहाँ पर है, एक मूर्त और है शायद लखन कॉलोनी के पास, तो वहाँ पास देखने चलते हैं, तो बने रहिए, पास में ही है। तो हम लोग आ चुके हैं लखन कॉलोनी के पास। ओ भाई, इतने प्यारे गणपति जी अपने सवारी के ऊपर सवार कर रहे हैं, मूसक के ऊपर सवारी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे क्यूट लग रहे हैं। और कमेंट में बताइए प्लीज कैसे लग रहे हैं। आप चलते हैं आगे की ओर, लास्ट मूर्त और दोस्त के यहाँ।
वाओ सो क्यूट गाइस, आप लोग को कैसे लगे ये गणपति जी? आप लोग देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग को कुछ बोल रहे हैं। सो गाइस एक मूर्त और है जो आपको दिखा सकता हूँ। सो गाइस मेरा ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच।